बस्तर के जगदलपुर में बच्चों ने शिकायत की है कि उनके खाने में कीड़े निकलते हैं, साथ ही राष्ट्रीय गुटखा भी निकलता है और जब बच्चे दोबारा खाना मांगते हैं तो उन्हें डांट दिया जाता है। जबकि शासन ने बच्चों के खानों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है, बावजूद इसके बच्चों को दूषित खाना खिलाया जा रहा है। आपको बता दें, प्रशासन समेत शिक्षकों को भी इसकी जानकारी नहीं है। वहीं कलेक्टर ने मामले की जाँच कर कार्रवाई की बात कही है। जी मिलता है, लेकिन ना एक ही बार मिलता है, दोबारा मांगने से बोलते हैं कि हम लोग हाई मिडिल वाले के लिए है, दोबारा नहीं मिलता सर जी। कीड़े भी निकलते हैं और कभी ना बहुत, लेकिन निकलता है बहुत कम और राशि निकलता है, यहाँ दीदी लोग खाते हैं। ये जो बात है मध्याह्न भोजन का, इसमें लगातार ये प्रयास है रहता है कि जो भी मापदंड के अनुसार में जो राशन और जो खाना हॉट कुक्ड मील्स जो स्कूलों में सर्व होना चाहिए वो हो, और वो मेनू के अनुसार ही हो। ये हमारे एक स्टैंडिंग निर्देश दिए गए हैं, और अगर कहीं इस निर्देश का पालन नहीं हो रहा है तो इसकी भी हम जांच करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पर जो तैयार मेन्यू है और जो तय मात्रा है उसके अनुसार सभी बच्चों को वहाँ पे ना केवल स्वादिष्ट बल्कि सुरक्षित और गर्म खाना भोजन मिले।